मैं आपको बता देती हूँ जी, आपकी डाइट न्यूट्रिशन के हवाले से और कोलेस्ट्रॉल और जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी डाइट के अंदर बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, और वो एहतियात किस तरह से करनी चाहिए ये आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उम्मे फरवा हमें बता रही हैं। जी उम्मे फरवा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर कि ऐसी क्या डाइट ली जाए जिससे कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सके और ब्लड प्रेशर को भी। वो लोग जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा मकदार में शामिल होते हैं यानी ब्लड फैट्स उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके अंदर आमतौर पर ब्लड प्रेशर का जो इशू है वो भी आ जाता है क्योंकि खून जो है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इसको कम करना जो है उसके लिए सवेयर केसेस में तो, और वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का इशू है उन्हें अगर कोई मेडिसन्स बताई हों तो वो आपको अपने डॉक्टर की इजाज़त के बगैर बंद नहीं करनी चाहिए। और जो डाइट थेरेपी है वो इसके अलावा एक अलग से ट्रीटमेंट है जो कि उसकी मैनेजमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला है उन्हें सैचुरेटेड फैट यानी ऐसी चिकनाई जो कि हम जानवरों से हासिल करते हैं वो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि वो आपके खून को और गाढ़ा बना सकती है। आपका वो खून में जाके जमती है, आपकी नालियों में जमती है और उन्हें क्लॉग करती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना भी ऐसे गोश्त है जिसमें ज़्यादा मकदार में चर्बी पाई जाती है जिस तरह मटन है, बीफ है, अंडे की जर्दी है, इसको कम से कम मकदार में इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ों को अंडे की जर्दी हम मना करते हैं, उनके लिए बेहतर होता है कि वो दो सफ़ेदियाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जौ का दलिया एक ऐसी चीज़ है और जई का दलिया, ओट्स और बार्ले, ये दोनों जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। फ़ाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है यानी रेशे वाली चीज़ें। फ़ाइबर के बहुत जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो हैं कच्चे फल और सब्ज़ियाँ। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 फ्रूट्स खाते हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करते हैं यानी 3 से 4 कप रोज़ाना आपको कच्ची सब्ज़ी खानी चाहिए, और अगर पकी हुई खा लें तो वो भी बहुत बेहतर है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपकी डाइट में फ़ाइबर होगा उतना ज़्यादा आपको वो अहम किरदार अदा करेगा आपका कोलेस्ट्रॉल लो रखने में। फिर इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मोटापा भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है कि पेशेंट्स ओवरवेट हो जाते हैं। तो उसमें भी ज़रूरी है कि जितना आपकी डाइट में फ़ाइबर होगा आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज खाएंगे, यानी जब आपको भूख अभी बाकी हो तो बेहतर है कि खाने से हाथ खींच लें। अगर आप भूख रख के खाएंगे तो आपका वज़न उसी से कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ बहुत सी सिंपल टिप्स हैं कि अगर आप एक चपाती खाते हैं तो उसको आप हाफ़ कर दें एक वक्त में, ये उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तानी चपाती का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर आपकी बिल्कुल छोटे साइज़ की चपाती है तो वो एक ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा बड़े साइज़ की बनती है तो उसमें ये है कि आप उसको हाफ़ कर दें, और अगर बिल्कुल छोटे साइज़ की है तो वो एक भी ठीक है। तो ये आप खा सकते हैं। ब्रेड और चावल, इस किस्म की चीज़ें जो कि ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स हैं, बिल्कुल सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। बेकरी की अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि उनमें घी, मक्खन, ऐसी चीज़ों का जो है उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो चीज़ें भी आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती हैं। फिर एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो नमक। हमारे खानों में नमक का बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल किया जाता है तो उससे भी आपकी जो खून की नालियाँ वो तंग होती हैं और ब्लड प्रेशर का जो इशू है वो आपका सीवियरिटी पकड़ जाता है। तो नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन्हें एक दिन में 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आपने जब खाना बनाना है तो खाने के अंदर आप पकाते हुए नमक ना शामिल करें, आप उसके ऊपर बाद में थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक जो है स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। और जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है यानी इस तरह की चीज़ें जो कि हम मार्केट से ख़रीद के खाते हैं, उन्हें सिर्फ घर में फ्राई करना होता है, तो उनका इस्तेमाल मत करें। उनके अंदर सोडियम यानी नमक बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया होता है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो पेशेंट जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू है वो हार्ट डिज़ीज़ के भी रिस्क पर होते हैं। उनके अंदर ये शरह बहुत ज़्यादा हाई होती है कि उन्हें दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप नमक और कोलेस्ट्रॉल इसका इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपके जो डाइट है वो ओवरऑल अच्छी रहेगी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। फिर इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है देसी लहसुन। उसको अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अदरक को आप चाय में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रीन टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी में अगर इस्तेमाल करना है तो उसका आप अदरक और लहसुन का बिल्कुल एक पतला सा पेस्ट बना लें और 1 टीस्पून उसको अगर आप ग्रीन टी में डाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दें हर खाने के बाद,
तो दिन में 2 से 3 दफ़ा ये पीने से आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नेचुरली लो हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को जितनी भी चोकर से बनी हुई शयाएँ उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसबगोल के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसबगोल को कभी भी दूध में डाल के नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और जो आपने दूध पिया उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दूध के अंदर कुछ भी शामिल करके मत लीजिए। आपने अगर इसबगोल का इस्तेमाल करना भी है तो उसको आप पानी में डालकर पी सकते हैं। खाने से आधा घंटा पहले अगर पी लेंगे तो वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं वो कम खाएंगे, और इससे उनका वज़न भी कम होगा और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी कम हो जाएगा। चोकर से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, आपका ब्राउन आटा, चोकर की बनी हुई ब्रेड, ब्राउन राइस यानी ब्राउन चावल जो अनपॉलिश राइस होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नान, कुलचा, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। जितने भी आपको मार्केट में बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं वो बिल्कुल मत इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके अंदर भी रिफाइंड फॉर्म में आटा होता है, जो कि आपकी मैदा आटा इस किस्म की चीज़ें, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।